कह रहे कि भाई काले हिरण का शिकार किया था, विष्णु समाज पूजा करता है, तो कह रहे कि भाई वो उनकी भावनाएं आहत हुई तो माफी मांग लेंगे, मैटर खत्म। अरे भाई साहब वो तो जानवर था, हिरण ही तो था, लेकिन कह रहे वो पूछते इंसान को मार देते वो माफी नहीं मांगता, तो हिरण को मारने से माफी क्या हो? कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने उसको सजा दी थी ना, केस लड़ा ना, सारे तारीखों पे गया, अगला जेल भी रह के आया, सब काम तो करके आया है वो। जब वो एक अपने यहाँ जो कानून बना हुआ उसके हिसाब से चलकर उसने सारी सजा भुगत ली, तो अब सजा देने वाला वो कौन है? अभी सलमान खान का नाम तो सुना होगा आपने। सलमान खान का सुना है, लेकिन मेरे को भी धमकी मिली है, जान से धमकी मिल गई बेचारे को। कुछ नहीं बिगड़ेगा अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंग है, वो बाबा सिद्दीकी का मर्डर का जिम्मेदारी लिया था, अब सलमान खान को भी धमकी दी है, क्या लग रहा है? नहीं कुछ नहीं होगा उनका, कुछ भी कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। कह रहे कि सलमान खान ने 1998 में हिरण का शिकार किया था, काले हिरण का, कह रहे वो माफ़ी मांग लेंगे तो शायद ये झगड़ा खत्म हो जाए, क्या लगता है आपको? माफ़ी मांगनी चाहिए सलमान खान को? काय के लिए माफ़ी मांगे जब इसने मारा नहीं तो? इसने मारा कब है? कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वहाँ लोगों ने देखा है, तभी तो केस चला है। ये नहीं है, गलत है। आज बाबा सिद्दीकी मारा है, कल सलमान को भी अगर ये कर सकते हैं टारगेट, तो माफ़ी वो क्यों? वो माफ़ी उस टाइम मंगवानी चाहिए थी, बीच में उस बिश्नोई गैंग को आना चाहिए था कि भाई सजा ये नहीं देंगे, गवर्नमेंट नहीं देगी, कानून नहीं देगा, हम देंगे, ये हमसे माफ़ी मांग ले, मामला खत्म है, तो कानून को एक तरफ रख देते, कानून से बड़ा थोड़ी हो गया बिश्नोई गैंग। हाँ ये एक चीज़ को टारगेट जरूर कर सकते हैं, देखो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं हम, लेकिन हमें हिंदुस्तानी, इनको एक टारगेट करना आता है सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान या फिर हिंदू मुस्लिम, उसमें इलझा रखा है लोगों को और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, कहते हैं सलमान खान अगर माफ़ी मांगते हैं ये मैटर खत्म हो जाएगा, तो किस किस को माफ़ी मंगवाएंगे? देखो आजकल तो जंगल राज हुआ है, जिस मर्जी का एनकाउंटर करा दो, जब आपको पता है एक बंदा बैठ के जेल के अंदर से पूरा गिरोह चला रहा है, आपने यूपी के अंदर कितने एनकाउंटर करवा दिए अभी, जब आपको एक बंदा चल रहा है आपको पूरा आपके पास रिकॉर्ड है कि हाँ जी ये बंदा जेल के अंदर बैठ के एनकाउंटर करवा रहा है और ये सुपारी ले रहा है, सारे काम अंदर से, आप उसका एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे? आप उसका सीधा एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे? आप उसे क्यों नहीं फांसी दे रहे बिश्नोई को? आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि आप बिश्नोई का गैंग जो है अंदर से बैठ के वो उसको सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है, जब आपको ये पता है तो सीधा सीधा उसे क्यों नहीं फांसी दे रहे, उसे क्यों नहीं एनकाउंटर कर रहे हैं? क्या ये सरकार की कोई शह, कोई ये सब सरकार की मिली भगत है और क्या है, वरना इतनी आसानी से कैसे ये काम हो जाए? जब वो एक नेता के इतने सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में, तो आम आदमी हम तुम कैसे सुरक्षित होंगे? कह रहे कि भाई काले हिरण का शिकार किया था, विष्णु समाज पूजा करता है, तो कह रहे कि भाई वो उनकी भावनाएं आहत हुई तो माफी मांग लेंगे, मैटर खत्म। अरे भाई साहब वो तो जानवर था, हिरण ही तो था, लेकिन कह रहे वो पूछते इंसान को मार देते वो माफी नहीं मांगता, तो हिरण को मारने से माफी क्या हो? कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने उसको सजा दी थी ना, केस लड़ा ना, सारे तारीखों पे गया, अगला जेल भी रह के आया, सब काम तो करके आया है वो। जब वो एक अपने यहाँ जो कानून बना हुआ उसके हिसाब से चलकर उसने सारी सजा भुगत ली, तो अब सजा देने वाला वो कौन है? ये आप खुद सोचो ना। जो लोगों की भावनाएं दुखी हैं उसका तो देखो जी, हमारे में भी, आपके अंदर भी, आप दुनिया की भावनाएं हैं कि हम, हमारे साथ गलत हो जाता है तो ये हो, लेकिन हो कहाँ पाता है वो? गवर्नमेंट, मैं कोई अनऑथराइज यहाँ पे दुकान करके बैठा हूँ, गवर्नमेंट हटाना चाहती है, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट चाहे तो कितनी देर लगेगी हटाने में? गवर्नमेंट अगर चाहे तो कितनी देर लगेगी हटाने में? ठीक है भाई, क्या नाम? मोहम्मद इमरान। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, क्या लग रहा है? सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए क्या हिरण के शिकार पर? नमाज को भी आना मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? नमाज तो आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा आपने एक बात काफ़ी अच्छी कही कि कहीं ना कहीं अगर बंदा जेल के अंदर रह के ये सब कुछ कर रहा है, सबको पता है कि भाई जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो कह रहे तो मामला, ये तो फिर सारी सरकार की मिली भगत चल रही है ना उस टाइम पे, सरकार की शेप है हो रहा है, आप अंदर से जिस मर्जी को मरवा दो कि हाँ जी बिश्नोई गैंग मरवा रहा है, चाहे भले ही वो ना मरवा रहा हो, लेकिन क्या है, आप किसी को भी टारगेट करा के कह के हाँ भाई तो उसने गैंग ने, उसने सुपारी ली थी और मरवा दिया। आज बाबा सिद्दीकी मारा है, कल सलमान को भी अगर ये कर सकते हैं टारगेट, अब क्या 5 करोड़ रुपए में माफ़ी का कहाँ ऑप्शन रहा है? तो पैसों का फिरौती हो गई सीधा, 5 करोड़ रुपए दे दो और मामला सॉल्व हो जाएगा। वो तो क्लियर हो गया है, वो एक्चुअली किसी और व्यक्ति ने कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने वो गलती से मैसेज भेज दिया, नहीं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से नहीं था, उसने माना है कि मैंने ऐसे ही हवाबाजी में जो है वो मैसेज भेज दिया था, मैं किसी भी गैंग से नहीं, एक आम व्यक्ति था। चलो आम व्यक्ति था भले ही, तो माफ़ी वो क्यों? वो माफ़ी उस टाइम मंगवानी चाहिए थी, बीच में उस बिश्नोई गैंग को आना चाहिए था कि भाई सजा ये नहीं देंगे, गवर्नमेंट नहीं देगी, कानून नहीं देगा, हम देंगे, ये हमसे माफ़ी मांग ले, मामला खत्म है, तो कानून को एक तरफ रख देते, कानून से बड़ा थोड़ी हो गया बिश्नोई गैंग। या तो कानून की सजा होती या फिर इसकी होती, एक ही होता ना, आप दोनों तरफ से आप सजा सोचोगे, उसको भी माफ़ी मंगवा लें, अगला जेल में रह के आया, सारी तारीखों पर गया, क्या उसका नुकसान नहीं?
सब उसने भी तो काम करा है ना, फिर उसे सजा मांगने का तो बनता ही नहीं, सजा क्यों मांगेगा। तो सलीम खान तो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम कभी कॉकरोच को भी नहीं मारे तो हिरण को मारना झूठी बात है। हाँ, मैंने भी सुना था वो इंटरव्यू कि हाँ जी हमारे घर में ऐसा करना कोई है नहीं, लेकिन हाँ उन टाइम में वो शायद उस ग्रुप में था, उस टाइम शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ ही की जोधपुर के अंदर, उस टाइम पे था वो। लेकिन ग्रुप के अंदर अगर चार लोग मेरे साथ घूम रहे हैं, एक बंदा मर्डर कर दे तो चारों को उठा के थोड़े ना डाल दोगे। कोर्ट ने रिहा कर दिया ना उसे, कोर्ट ने तो रिहा कर ही दिया है ना। अब जाके लास्ट में ये हुआ है कि यहाँ वो तो सालों से चल रही थी पहले से उसकी बिश्नोई गैंग की, कि सलमान को धमकियाँ पहले भी आती रही हैं, घर के बाहर गोली भी चली है, गोली भी चली थी बाबा सिद्दीकी को भी 15 दिन पहले। गवर्नमेंट बिल्कुल लाचार है, अपाहिज है, लंगड़ी है। 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को भी धमकी दी थी, उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई थी 15 दिन पहले ही, उसे भी धमकी मिली थी और उसकी सुरक्षा भी बढ़ी थी, फिर भी कुछ नहीं कर पाई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के मुँह पर तो एक तमाचा है कि आपकी एजेंसी आपके बेकार, सब बेकार। हाँ ये एक चीज़ को टारगेट जरूर कर सकते हैं, देखो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं हम, लेकिन हमें हिंदुस्तानी, इनको एक टारगेट करना आता है सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान या फिर हिंदू मुस्लिम, उसमें इल्जाम रखा है लोगों को और कुछ नहीं करा। अभी क्या लग रहा है, बार बार कह रहे हैं कि भाई सलमान खान अपनी मूवी की शूटिंग भी कैंसिल कर लेते हैं, बड़ी समस्या आ रही है उनके फैन। कितने दिन शूटिंग कैंसिल करेगा अगला, कितने दिन का, कहाँ तक बचेगा, हर टाइम घर में तो रह नहीं सकता, शूटिंग भी करेगा, बस वही है वो तो, वही सब लाइफस्टाइल है बस उनका, तो वही है। आज निकल, अगर टारगेट उन्हें करना है तो आज निकल हो जाएगा, टारगेट क्या है। बाकी माफ़ी मांगने का मैटर जो आपने मुझसे पूछा, मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, मेरी तरफ से तो नहीं बनता, नहीं मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, बस चाहिए मैटर खत्म हो रहा हो, वो कह रहे हो कि भाई हो या ना हो, लेकिन वो कह रहे अगर माफ़ी मांग लेता है हमारे जाम्बू जी की समरास्थल पर जाके तो हम ये किस्सा ही खत्म कर देंगे, हमारी तरफ से कोई दुश्मनी रहेगी नहीं सलमान खान से। नहीं नहीं माफ़ी मांगनी बनती नहीं, दुश्मन आएगी क्या है, हिरन मार दिया था, शिकार करा था, भले ही वैसे साबित नहीं हुआ है उसने मारा था, लेकिन उसने सज़ा काटी है, सब कुछ हुआ है और रिहा भी हुआ है, तो माफ़ी किस चीज़ की बनती, माफ़ी नहीं बनती। ये गैंगस्टर कल्चर को ज़्यादा शुरू नहीं हो रहा है वापस से, पहले दाऊद का गिरोह था, वापस से ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह आ गया। पीछे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाह रहा, आपको भी पता है अभी जो इतने हाल फिलहाल में इतने एनकाउंटर हुए हैं, तो एक एनकाउंटर इसका नहीं बनता क्या, जो जिम्मेदारी ले रहा है, सीधी सी आप बताओ मुझे, जब वो जिंदा ले रहा है तो उसको आप क्यों नहीं टारगेट कर रहे, क्यों इधर उधर फील्डिंग सजाओगे, क्यों उसकी सिक्योरिटी बढ़ाओगे, क्यों पुलिस लगाओगे, पुलिस को भी उसकी तैनाती में 4 फोर्स और पुलिस वाले खड़े करोगे, दुनिया जान के झंझट करोगे, जब हमें पता है एक चीज़ से हमें नुकसान हो सकता है और वो बंदा कह रहा है मैं इसे मारूंगा, तो आप उसको टारगेट क्यों नहीं कर रहे। बाबा सिद्दीकी की भी उसने जिम्मेदारी ले ली, तब भी आप उसको टारगेट नहीं कर रहे आप तो, और उन्हीं का गैंग का बंदा बैठ कर बता रहा है सब कुछ सारी, कि हाँ हमारे इतने 1000 आदमियों का गैंग है, ये है वो है, चला रहे हैं बस बस। आम आदमी तो आम आदमी, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिलती है। मुंबई के बाबा सिद्दीकी हैं, उनका मर्डर हो गया हाल ही में, राजनेता थे वो। सब जगह ऐसी हो रही है भाई, बदमाशी हो रही है, सब जगह बदमाशी हो रही है। क्या कारण मानते हैं आप ये बदमाशी? इसका अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए, तभी आदमी जी कभी, हाँ नहीं तो नहीं जी पाएगा। सलमान खान का नाम तो सुना होगा आपने, सलमान खान का सुना है, लेकिन मेरे को भी धमकी मिली है, धमकी मिल गई बेचारे को, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंग है, वो बाबा सिद्दीकी का मर्डर का जिम्मेदारी लिया था, अब सलमान खान को भी धमकी दी है, क्या लग रहा है? नहीं कुछ नहीं होगा उनका, कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। कह रहे कि सलमान खान ने 1998 में हिरण का शिकार किया था, काले हिरण का, कह रहे वो माफ़ी मांग लेंगे तो शायद ये झगड़ा खत्म हो जाए, क्या लगता है आपको, माफ़ी मांगनी चाहिए सलमान खान को? काय के लिए माफ़ी मांगा, जब इन्हें मारा नहीं तो इसने मारा कब है? कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, वहाँ लोगों ने देखा है, तभी तो केस चला है, ये नहीं है, गलत है। सलीम खान है सलमान खान के पिता, वो भी कह रहे कि हमने कभी कॉकरोच नहीं मारा, हिरण कहाँ से मारेंगे, सब झूठ फैला रहे हैं। गलत है ये सलमान खान का, जो गलत है, हिरण कहाँ से मार देगा वो, उसके बाद सब कुछ दे रहा अल्लाह ने दे रखा है। कह रहे फिल्म की शूटिंग में गए थे तो शिकार कर लिया था काले हिरण का। ओ नहीं बेकार है, झूठी बातें है ये। कोर्ट में मैटर गया तो कह रहे कोर्ट को तो पता है, कोर्ट ने तो उस हिसाब से सजा भी दी है, तो कह रहे कोर्ट में तो भाई प्रूफ गया है ना। बड़े बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन गलत है ये। माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं? नहीं 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 मांगनी चाहिए। कह रहे मैटर खत्म हो जाएगा, ये लड़ाई झगड़ा जो है लॉरेंस बिश्नोई का, सलमान खान का, ये बोले खत्म हो जाए अगर वो बिश्नोई समाज से, वो बिश्नोई समाज जो है वो पूजा करता है काले हिरण की, अल्लाह के सिवा और कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता उसका, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं बिगाड़ सकता भाई इसका। लॉरेंस बिश्नोई बकरा धमकिया दे रहे, कोई सब कुछ देना तो धमकिया दे, अल्लाह अल्लाह ताला जो है 1 मिनट में पलट देगा, हो जी बस।